नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका जोशी, और स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। वैसे तो बारिश का हमारे मन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा नाता जो है इस मौसम का हमारे मन से होता है। और जब इस मौसम की खुमारी हो, इसे प्यार का मौसम भी कहते हैं, जब इस मौसम की खुमारी हो और ऐसे में कोई चटपटी सी लव स्टोरी हमारे सामने हो तो मज़ा इसका दोगुना हो जाता है। तो एक ऐसा ही शो लेकर हमारे सामने आ रहे हैं सोनी टेलीविज़न से। सोमवार से शुक्रवार इस शो का जो है टेलीकास्ट होना है, और इसी की जो स्टार कास्ट है वो इस वक्त हमारे बीच मौजूद है और आज इस शो के बारे में हमसे बात करेगी। तो बिना देरी के आपको मिलवाते हैं उनसे, इस शो के बरसाते प्यार का मौसम के रेयांश यानी कुशाल टंडन से, और साथ ही अनुराधा हमारे साथ मौजूद है यानी शिवांगी जोशी। स्वागत है आप दोनों का हमारे इस शो में। बात करें इस शो की, जैसा कि मैंने बताया चटपटी लव स्टोरी लग रही है, नोकझोंक काफी देखने को मिल रही है अगर बात की जाए जो टीजर हमने देखा है उसके हिसाब से। तो क्या यूनिक है, क्या मसाला इस लव स्टोरी में ऐसा है जो इसको सबसे अलग बनाती है? सबसे पहले शुरुआत करेंगे शिवांगी आपसे। तो पहली बात तो जो मेरा किरदार है जिसका नाम है आराधना, आराधना okay. जी वो एक जर्नलिस्ट है और रेयांश की कंपनी में काम करती है जी. और वहीं पे you know, उन दोनों की मुलाकात होती है जी. और कैसे तकरार से जो शुरुआत हुई थी वो प्यार में बदलती है जी. और फिर क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ तकरार में बदलती है, तो ये कहानी है और ये काफ़ी रियलिस्टिक कहानी है। मतलब इस कहानी से लोग काफ़ी रिलेट करेंगे क्योंकि आज की कहानी है, आज की लव स्टोरी है जी। तो लाइक 70% ऑफ आर व्यूअर्स विल डेफिनेटली रिलेट टू आराधना एंड रेयांश, और उनकी इक्वेशंस जो कुछ भी उनकी फैमिली के साथ है आपस में है सभी चीज़ से, आई थिंक वो एक बात है जो हमारे शो को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है और सबसे अलग बनाती है जी। आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसा कारण रहा था जो आपने इस शो के लिए हाँ कही? शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। और जब एकता कपूर जी ने फोन किया था कि शो एक लिख रहे हैं जी, और उसमें मैं आपको सोच के लिख रही हूँ, तो एक प्रोड्यूसर जब कॉल करता है और बोलता है कि मैं आपको जहन में रख के उस चीज को लिख रही हूँ, तो इट फील्स नाइस। उसके बाद शिवांगी जोशी थी उस शो में जी, तो मैंने कहा शिवांगी जोशी हैं तो क्यों ना काम करें साथ। अगर बात की जाए तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन, अगर आप जैसा कि आपने बताया कि शिवांगी जोशी थी शो में, तो ये भी एक कारण रहा हाँ करने का, क्या फर्स्ट इम्प्रेशन जब आप मिले, कैसे पहले मिले थे आप? नहीं नहीं, हम कभी जिंदगी में एक साथ। क्या फर्स्ट इम्प्रेशन रहा था? आप दोनों से ही जानना चाहोगे, सबसे पहले आपसे कुशा। फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज था कि हम लोग क्या अच्छे लगेंगे साथ में, बिकॉज हम लोग की हाइट वाइट मैच नहीं करती है, मतलब यू नो जब स्टार्टिंग में हमारे आपके मेरे दिमाग में जहन में भी था कि हम दोनों क्या अच्छे लगेंगे साथ में, नहीं लगेंगे, बट इट्स वेरी पर काफी पसंद किया जा रहा है, टीजर से ही पता चल रहा है, और खुद को भी अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि ऑडियंस की बात करें, खुद भी हमने सीन्स देखते हैं और जब साथ में खड़े होते हैं वी लुक नाइस टुगेदर। सो या आपने क्या सोचा था, क्या आप इससे पहले मिली थी, क्या सोच के आप इनसे मिली थी कि कैसी फर्स्ट जो है आपकी मुलाकात रहने वाली, फर्स्ट इम्प्रेशन इनका कैसा रहा था? नहीं, मैं शो के पहले उनसे कभी नहीं मिली थी, और जब हम मिले, जब हमारी मुलाकात हुई तो इट वाज वेरी प्रोफेशनल, एंड जैसा कि उन्होंने बताया हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम साथ में कैसे लगेंगे, मतलब हम थोड़े स्केप्टिकल थे, लेकिन जब हमारा मॉक शूट हुआ, हमने साथ में जब मॉनिटर पे हमारे सीन्स देखे तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, बट यू नो स्टिल एक थॉट था कि पता नहीं लोगों को जोड़ी पसंद आएगी या नहीं, बट रिस्पॉन्स फ्रेश पेयरिंग इसे yes. कहा जाए अगर टीवी इंडस्ट्री की इस वक्त की, और सबसे चर्चित भी अब जो है क्योंकि टीजर ही इतना लोकप्रिय हो गया आप लोगों का, तो क्या लगता है कब से शुरुआत होने जा रही है शो की? और शो की शुरुआत हो चुकी है जी, तो कब से जो है आपकी लव स्टोरी की शुरुआत होगी अगर बात की जाए? अभी तो नोकझोंक चल रही है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को समझ रहे हैं जी। पहली बात तो हमें यकीन था कि लोगों को पसंद आने लगेगी क्योंकि हम देख पा रहे थे हमारे सीन्स और जो हम जब हम शूट करते थे, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इतना इतना खूबसूरत रिस्पांस मिलेगा जी, जो काफ़ी ओवरवेलमिंग है, और वो तो है। और बाकी शो की शुरुआत हो चुकी है जी, 10-12 एपिसोड्स निकल चुके हैं,
और हमारा शो थोड़ा फास्ट पेस्ड है, तो स्टोरी भी हमारी थोड़ी सी फास्ट है जी, तो प्यार की शुरुआत भी हो चुकी है और ब्रेकअप की शुरुआत भी हो चुकी है जी, काइंड ऑफ जी. एकता कपूर के साथ काम करने का अगर सबसे क्योंकि आप किस तरीके से प्ले करेंगे, आपकी एक्टिंग स्किल तो यहाँ पर मायने रखती है, लेकिन डायरेक्टर सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वो आपको किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है और आपके क्या जो पोटेंशियल है, जो आपका सबसे स्पेशल है, वो निकाल पा रहा है. एकता कपूर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताएं. बहुत अच्छा है. मैंने इस शो के पहले उनका एक शो आया था जिसमें उनका ओपनिंग एपिसोड किया था जी, वहीं एकता मैम ने मुझे देखा था एंड शी लाइक माई वर्क और इसीलिए शी कॉल्ड मी फॉर दिस शो. और जहाँ तक काम करने की बात है तो बहुत ही अमेजिंग टीम है जी, और मैं इनफैक्ट हम दोनों ही आई थिंक विद डायरेक्टर्स एक्टर्स जी, तो वो चीज़ है. सो कमाल की टीम है, बहुत मज़ा आ रहा है काम करके. एंड जहाँ तक एकता मैम की बात है, आई थिंक वो शी इज़ अ क्वीन ऑफ टेलीविजन. बिल्कुल, लाइक शी हैज़ लिटरली चेंज्ड द गेम ऑफ टेलीविजन जी. तो उनके साथ काम करना भी हर एक्टर का सपना ही होता है जी. तो वी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो आई एम डूइंग दिस शो. कुशल आप मेरा तीसरा है जी. बिल्कुल, लेकिन लगातार आप इस फील्ड में रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने ब्रेक लिया था, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चले गए थे और उसके बाद वापस से आपने एक तरीके से कमबैक किया है, या तो क्या कुछ चेंजेस नजर आए हैं? और दूसरी चीज ये कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद वापस से यहाँ पर आना, क्योंकि यहाँ का स्केड्यूल बहुत टाइट होता है, तो क्या चेंजेस आपको नजर आए? चेंजेस शेड्यूल टाइट होता है, बट हालांकि मैं अब 10 घंटे काम करता हूँ तो 12 घंटे काम नहीं करता हूँ, सो उतना ही हो गया जी. बट चेंजेस बिल्कुल कुछ नहीं है. चेंजेस में यही है कि हम जब वेब सीरीज करते हैं तो उसमें हमको स्क्रिप्ट पहले से मिली होती है जी. हम उसको याद कर सकते हैं, हमें पता होता है कि हम परसों एक सीन करने वाले हैं, ये प्रिपेयर्ड. टेलीविजन में क्या होता है कि हम बस पहुंच गए और शेड्यूलर ने, प्रोडक्शन वालों ने ये सीन लगाया हुआ, तो मुझे सुबह पता चलता है कि क्या क्या सीन्स लगे हुए हैं और फ्रेश 5 पेज का सीन अगर आ गया तो हमको अब नेक्स्ट सीन मेकअप करते करते हमको सीन पढ़ना और याद करना है, हमको परफॉर्म करना जी. सो ये बहुत ही बड़ा वास्ट डिफरेंस होता है कि यू नो, एक आप प्रिपेयर्ड हो, आप सीन मेंटली प्रिपेयर्ड हो, घर से आ रहे हो, आप क्या शूट करने वाले हो, और एक आपकी, एक तो आप किस मूड से घर से आते हो जी. दूसरी बात, आप वैन में मेकअप करवा रहे हो, उतनी देर में आपको वो मूड का सीन आता है कि नहीं आता है, कि आप उस मूड में हो वो सीन करने की कि नहीं हो. तो रिटेक्स कौन ज्यादा करता है? रिटेक्स तो करते ही हैं, रिटेक्स ऐसा कुछ नहीं, कौन ज्यादा नहीं करता, कौन नहीं करता. जिस तरीके कभी कभी वन शॉट भी हो जाता है, वन टेक भी हो जाता है. हाँ वही, कभी कभी वन टेक भी हो जाता है, कभी 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 हम सेटिस्फाई नहीं होते, कभी डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं होते, तो इट्स अ टीम वर्क. और जब हमारी कोशिश बस यही रहती है कि जो एंड प्रोडक्ट हो, जो फाइनल रिजल्ट हो, वो अच्छा निकले. जैसा कि बताया कि जैसा एकता कपूर क्वीन ऑफ टेलीविजन है, लेकिन उनको ट्विस्ट की देवी भी कहा जा सकता है, कि सडनली स्टोरी में कैसे ट्विस्ट लाना है, कैसे उसे इंटरेस्टिंग बनाना है. और आपने जिस तरीके से बताया कि सडनली पता चलता है यहाँ पर कि नया सीन आने वाला है या कोई नया मूड, आप किस मूड में हो और किस मूड का आपको सीन मिलने वाला है, तो कैसे आप तैयारी करते हैं उन सारी चीजों की अगर बात की जाए? नहीं, फटाफट याद करते हैं बादाम खाते हैं सुबह चार चार और परफॉर्म इट. जितना टाइट स्केड्यूल रहता है, अगर हम टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें, शोज की बात करें, अपने लिए समय कैसे निकालते हैं? क्योंकि माशाल्लाह दोनों ही काफी फिट हैं, और अपने आप को इतना फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए नींद कैसे पूरी कर पाते हैं या खुद पर ध्यान कैसे दे पाते हैं? समय जो मेरा शेड्यूल है, हम लोग, मैं 6 बजे उठता हूँ जी, 6:30 तक ब्रश कॉफी पीते हैं जी, 6:30 to 7:30 मेरी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद मेकअप वेकअप होता है, उसके बाद 9 बजे सेट पे पहुँच जाते हैं जी, 9 से 9 हम शूटिंग करते हैं, फिर 9:30 बजे मैं ट्रेनिंग करने जाता हूँ, 11 बजे ट्रेनिंग होती है, 12 बजे घर पहुँचता हूँ. तो 6 घंटे जो होते हैं उसी में सोना होता है, उसी में अपना शो देखता हूँ और उसी में अपने दोस्त यारों से बातें करता हूँ. शिवांग के आप? कुशाल की तो ट्रेनिंग कमेंडेबल है, जो उनका ये रूटीन है. मैं उतना नहीं कर पाती, बट मेरी कोशिश, आपको जरूरत कहाँ है? मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हफ्ते में 3 से 4 बार वर्कआउट करूँ और खाना सही खाऊं. और मैं एक चीज़ करती हूँ कि मैं, मेरा जो लास्ट मील होता है दिन का, वो 7 बजे कर लेती हूँ.
हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, ये 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं। ठीक है, तो क्या आपने ये चीज सीखी है इनसे, एक दूसरे से क्या सीखने मिल रहा है? मैं 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगा तो मैं 11 बजे वाली ट्रेनिंग कैसे करूंगा? ओके, मुझे तो ट्रेनिंग भी करनी होती है ना, तो मैं 7 बजे लास्ट मिनट खा लूंगा तो मैं एनर्जी क्या बचेगी, सबका अलग अलग होता है ना, वो फिर ट्रेनिंग नहीं करती। पर मैं उनसे मोटिवेशन जरूर ले रही हूँ फिटनेस की, जो उनका डेडिकेशन है जो कि बहुत कमाल है, क्योंकि जितना हम काम करते हैं यू नो उसके बाद भी वर्कआउट करने जाना है एवरी डे, और उसको कंसिस्टेंटली यू नो मेंटेन रखना, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात होती है। सो मैं उनसे थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन लेती रहती हूँ। जी, सेट की अगर हम बात करें किस तरह का माहौल रहता है, और वो कौन से कलाकार हैं जिनके साथ काम करके आपको और मज़ा आ रहा है और सीखने मिल रहा है? वो कौन से कलाकार हैं जिनके साथ इस शो में आप और काम कर रहे हैं? और साथ बड़ा मज़ा आ रहा है और सेट में हमारा सेट का माहौल बहुत ही बेहतरीन है, टचवुड, इट्स वेरी नाइस, सब लोग बहुत हंसमुख हैं, और सेट पे जब काम करते हैं ऐसा लगता है हम काम नहीं कर रहे, हम पिकनिक पे हैं, मतलब बहुत ही इजी, बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, सब बहुत खुश मिजाज है हमारी सेट। शो की अगर बात करें, आपके कैरेक्टर्स की अगर बात करें, कितना आप उस कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, क्या ये आपको चुनौतीपूर्ण कैरेक्टर लग रहा है जो पिछले कैरेक्टर से आपने किया? रियांश और कुशाल 70-30%, 70% रियांश कुशाल जैसे, जिस मैंने कहा जब एकता मैम जो शो लिख रही थी उन्होंने मेरे को जहन में लिख कर शो लिखा था जी, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं कुशाल को ही जी रहा हूं। लिख रही नहीं नहीं 30% उसमें बहुत सारा ऐसा नहीं है कि मतलब जी, जो रियाज कुछ चीजें कर रहा है अभी वो बिल्कुल कुशाल कभी जिंदगी में नहीं कर सकता है। जी, जी, उसको औरतों से बिल्कुल दिक्कत नहीं है जी, और उसका बचपन बिल्कुल भी खराब फैमिली में नहीं, मतलब खराब इमोशंस में नहीं गया, इसलिए मैंने बोला 70-30। जी शिवांगी, आप कितना रिलेट कर पा रही हो, और जैसा कि आपने बताया रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, क्या लगता है आपको ये लाइन कितनी टफ हो सकती है, क्या इसको भी फेस कर पा रही हैं? पहली बात जहाँ तक रिलेटेबिलिटी की बात है, मैं काफ़ी हद तक रिलेट करती हूँ अपने कैरेक्टर से, और मैं ही नहीं थी, काफ़ी लोग रिलेट करते हैं, काफ़ी लड़कियाँ, और आई थिंक लाइक ही सेड 70-30, मेरा भी रेशियो कुछ सिमिलर ही है, 70% लाइक आराधना इन रियल लाइफ। एंड जहाँ तक जर्नलिज्म की बात है, वो जर्नलिस्ट है, और मेरा कैरेक्टर काफ़ी पहली बार मैं ऐसा कैरेक्टर कर रही हूँ जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और थोड़े मच्योर वे में दर्शा रहे हैं उसका यू नो उसके बारे में उसकी सारी चीज़ें। और जर्नलिज्म की जहाँ तक बात है तो काफ़ी कुछ सीख रही हूँ आपके प्रोफेशन के बारे में जी। मज़ा आ रहा है, पता चल रहा है कि बिल्कुल आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम है, और ऐसे बैठ के भी किसी से इंटरव्यू करना, किसी का इंटरव्यू लेना, वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, वो सारी चीज़ें, तो ये कोई आसान काम तो है नहीं जी। तो काफ़ी कुछ सीख रही हूँ, मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है जर्नलिज्म को लेके, और I think it's amazing. अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने बताया, एक मैच्योरिटी झलक रही है इस किरदार में आपकी कहीं ना कहीं, आपने जब शुरुआत की थी, हो भी गई है जी, बिल्कुल टीन चालू किया था, बड़ी हो गई है, स्टार्ट किया था 16 साल में, 14 साल में शुरू किया था जी, बिल्कुल रिश्ता 17 में किया था जी, तो 25 की हो गई हो तो बड़ी भी हो गई है। क्यों मेरी उम्र बता रहे हो? नहीं, आजकल गूगल सब बता रहे थे। लेकिन शिवांगी आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक शुरुआत की थी, अगर शुरुआत से लेके अब तक की आपकी जर्नी की बात की जाए, क्या अगर आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या आपको लगता है क्या सबसे अच्छी चीज़ रही थी, क्या वो फेज़ भी आया था कि आप बिल्कुल नीचे जा रही थी, और वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको अचानक इतनी ऊंचाई पर ला दिया? आई थिंक उतार चढ़ाव तो हर प्रोफेशन में होते हैं और हर किसी की लाइफ में आते हैं, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उससे डील कैसे करते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, बट मेरे लिए मेरी मम्मी मेरे साथ थी और उनका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ था जी। तो क्योंकि मैं छोटी थी तो शुरू में कई ऑडिशंस देती थी, कई रिजेक्शंस भी फेस किए, तो होते ना जब आप छोटे होते हो तो ज़्यादा ये चीज़ें समझ नहीं पाते हो, बट माई मदर शी वॉज एंड शी इज़ माई बैकबोन, तो वो मुझे समझाते थे कि ये सारी चीज़ें होती हैं और आपका बस काम है अपनी अपना डेडिकेशन के साथ, अपनी ऑनेस्टी के साथ, यू नो अपना पूरा 100% देना जी। तो जब तक आप सिंसियर हो, आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो जी, तो हो जाएगा एक ना एक दिन जी। कुशाल आपसे जानेंगे, मॉडलिंग से आपने शुरुआत की जी, और मिस्टर इंडिया में फर्स्ट रनर अप रहे, आपने भी काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल की, और आज
अगर बात की जाए, आपका जो सबसे पहला शो रहा था काफ़ी हिट गया था, जी आपको काफ़ी पसंद किया गया, आपके किरदार को आपको पसंद किया गया, आपका काम पसंद किया गया। फिर बात की जाए बेहद की, जेनिफर विंगेट एक बहुत स्ट्रांग कलाकार रही है और उनका कैरेक्टर भी उसमें काफ़ी स्ट्रांग रहा और आपने उनको पूरे तरीके से कॉम्प्लीमेंट दिया था आपके कैरेक्टर ने उसमें। और अब बात की जाए रेयांश, तीनों कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस आप फील करते हैं? एक मीडिया पर्सन बोला था उसमें वो रेड फ्लैग वो थी, इसमें मैं रेड फ्लैग में हूँ। ये सबसे बड़ा, तो क्या आप माया का बदला लेने के लिए रेयांश में हैं? सेम चैनल में, सेम चैनल में। एक लंबा समय हो गया है, सीरियल आप लगातार करते आए हैं, टीवी सीरियल और जितने भी किए हैं काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए आप उसमें भी सफल रहे हैं और एक लंबे समय बाद आप वापस से टीवी इंडस्ट्री में आए। आगे क्या कुछ करने का सोच रखा है? अभी तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन क्या और भी प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है आगे? क्या आगे फिल्म इंटू प्रोडक्शन, जी प्रोडक्शन में, और फिल्म की कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो करेंगे और नहीं आएगी तो इसलिए प्रोडक्शन खुद खोल देंगे और खुद ही जो अच्छा लगेगा खुद ही बनाएंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद एक्ट करेंगे, अपनी टीम बनाएंगे। आप दोनों की एक खास बात ये रही है, संख्या ज्यादा नहीं रही है अगर सीरियल की, फिर भी लोगों के बीच में बहुत जल्दी लोकप्रिय हुए हैं आप। उसके अलावा अगर बात की जाए शो टीवी में, ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे जी बिल्कुल, और उसके बावजूद लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और काफी पसंद करते हैं और जिस तरीके से टीजर में हमने देखा है अब रास्ता देख रहे हैं कि क्या कुछ नया हमको देखने को मिलने वाला है। वहीं शिवांगी की भी बात करें तो काफी कम समय में जो है आपने ये लोकप्रियता हासिल की है। इसके अलावा एक और सिमिलरिटी, खतरों के खिलाड़ी में आप लोग रहे और दोनों हैं। इंजर्ड होके बाहर आए थे। जी बिल्कुल, मुझे आपका नहीं पता। मैं इंजर्ड होके आया था, मेरा हाथ टूट गया था, मतलब ऑपरेशन हुआ था मेरा। अच्छा, स्टंट में जीता भी था और उसके बाद में सारे स्टंट जीता था, उस स्टंट को हारा था, वो भी जीता था। आई हैड टू कम आउट बिकॉज मेरा हार्ट शोल्डर निकल गया था, ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो ये जो बिल्कुल ये कितना चेंजेस लाया जो है आपकी लाइफ में, जिस तरीके से आपको देखा है एक सीरियल्स में अगर बात की जाए तो बिल्कुल एक आदर्श बहू की तरह नजर आती है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत डेयरिंग नजर आती है अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए। अरे बहुत डेयरिंग है मैडम। जी बिल्कुल, तो ये इस खतरों के खिलाड़ी ने इसमें आपकी कोई हेल्प की थी या उससे पहले से आप इतनी डेयरिंग थी और ज्यादा खुल गई है आपकी हिम्मत? कुशल आपसे जानना चाहेंगे लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? मेरा ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट अभी तक आया नहीं, बहुत टर्निंग पॉइंट आने बाकी बहुत टर्निंग पॉइंट आने बाकी है। अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात आपकी की जाए शिवांगी, तो क्या कुछ और नया करने की सोच रहे हैं? अगर आइडल की बात की जाए तो कौन रहा है इस फील्ड में आपका आइडल, किसकी तरह जो है कोई ऐसा इम्पोर्टेंट रोल जो आप करना चाहती हैं? जहाँ तक आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात है, फिलहाल तो मैं बरसातें कर रही हूँ, तो अभी एक डेढ़ साल तो बरसाते ही करेंगे। जी, बीच में कभी टाइम मिल गया तो 10-15 दिन का तो कुछ और कर लेंगे, कुछ अच्छा आया तो। जी, म्यूजिक वीडियोस में भी आप काफी हिट रहे हैं और काफी पॉपुलर रहे हैं आपका, अगर म्यूजिक वीडियो की बात की जाए, आपकी बात की जाए। क्या ये जो फ्री टाइम आप बोल रहे हैं 15 दिन, क्या ये इसीलिए निकालते हैं आप? नहीं नहीं, कोई अच्छी वेब सीरीज की बात जी 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 बात की जाए बरसाते को लेकर, तो क्या जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत फास्ट वे में ये जो स्टोरी है आगे बढ़ रही है, बिल्कुल फास्ट पेस जी, तो कहीं बोरियत महसूस नहीं होती, नोकझोंक काफी देखने को मिल रही है हमें इसमें। एपिसोड कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता, आप देखते हो? असल में इतना समय मिल नहीं पाता इस फील्ड के कारण, तो इसलिए जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है जी, जी तो वो सिर्फ इस वजह से ही है, पर कोशिश करती हूँ कि जी बिल्कुल बिल्कुल ऐप में बिल्कुल देखने की मैं कोशिश करूंगी इसको। और यहाँ मैं जानना चाहूंगी क्या नया ट्विस्ट, जिस तरीके से लव स्टोरी शुरू हो चुकी है जैसा कि मुझे अब तक पता नहीं था कि इतनी जल्दी लव स्टोरी खत्म भी हो गई जी, तो क्या नया ट्विस्ट जो है हमें अभी देखने को मिलने वाला है? मत क्या देखने वाला है आपको जो रियांश करने वाले हैं आराधना के साथ जी, बहुत ही गलत कर रहे हैं आप जी, तो मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ करने वाले हैं, बहुत गलत कर रहे हैं जी। जिस तरीके से शिवांगी तो करेंगे ना, शिवांगी जिस तरीके से बताया गया है, कुशाल ने बताया कि वो रियांश से 70-30% रिलेट करते हैं, आपको क्या लगता है उनके कैरेक्टर के बारे में और जितना पर्सनली आप उनको जान पाए हैं?
कि वो कितना रिलेट करते हैं, कितना रिलेट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीजर में आपने बोला है बदतमीज बददिमाग विशाल लाइक ऐसे तो कुशाल बिल्कुल भी नहीं है, ही इज वेरी वेरी नाइस, वेरी स्वीट, वेरी रिस्पेक्टफुल एंड बहुत मेरी तो बहुत केयर करते हैं जी. हाँ, इज वेरी वेरी नाइस टू मी एंड जो बोला गया है वो बोलने के मुझे पैसे मिले थे. आई मीन दैट इज व्हाट माय कैरेक्टर इज. लेकिन रिलेटेबिलिटी की जहाँ तक बात है, जैसे कि उन्होंने बताया, ऐसा कुछ रिलेटेबिलिटी आई थिंक जो हरकतें हैं थोड़ी बहुत, द वे ही टॉक्स समटाइम्स समटाइम्स, वो थोड़ा कुशाल रेयांश का सिमिलर है. यार ऐसे ना, ऐसे पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगी, बट वो ऑन द स्पॉट जब कुछ होता है तो लगता है अरे हाँ आप भी रियल लाइफ में शायद ऐसे ही बोलते हैं. ओके, तो वैसी चीजें. हाँ, ओके. अभी तक हमने आपका जो रूप देखा था वो एक आदर्श बहू वाला देखा था जी. हालांकि वो काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स रहे हैं और आपने बाहर भी, पर क्या आराधना का भी हमें वही रूप देखने को मिलेगा आने वाले समय में, या फिर वो बिल्कुल इतनी ही धाकड़ सी रहेगी, इतनी दबंग सी रहेगी और बिल्कुल स्टैंड लेगी अपने लिए? आई थिंक फेजेस आएंगे आराधना की लाइफ में भी जी. लेकिन जो वो है वो वही रहेगी. तो जो उसका एटीट्यूड है जी, वो तो वही रहेगा, वो बिंदास है. बट ठीक है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आएंगी कि शायद वो उस सिचुएशन में कुछ बोल ना पाए उस वक्त, बट वो वही करेगी. आई थिंक मतलब अपने लिए स्टैंड जरूर लेगी, वो उसका बेसिक नेचर है, तो वो वही रहने वाला है. अब बात करेंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि लव स्टोरी बहुत चटपटी है जिस तरीके से हम टीजर में देख पा रहे हैं. आप लोग इंदौर आए हैं और इंदौर फेमस है चटपटे खाने के लिए, तो इस सवाल के बिना तो इंटरव्यू कम्प्लीट है मैम, कुछ खाने का ऑफिस ही जा रहे हैं सबके जी. तो फिर क्या इसके बाद कोई प्लान है या फिर यहाँ पर आपकी मेहमान नवाजी की कोई तैयारी की जाए? फ्लाइट का टाइम हो जाएगा जी. हाँ, वे देखते हैं अगर टाइम मिला तो हम जाते वक्त छप्पन भोग होते हुए जाएंगे. जी बिल्कुल. हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी तरफ से कोई विशेष कोई बात, कोई टिप उन्हें देना चाहे. डिजाना के दर्शकों, बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलकर. डिजाना बहुत ही अच्छा चैनल है. आई होप आपको भी हमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. आई लव डिजाना. और हमारा शो देखिए गाइस, बरसाते हैं, बहुत प्यारा शो है. ओनली ऑन Sony Entertainment Television at 8 p.m. तो धन्यवाद कुशाल हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद शिवांगी हमसे जुड़ने के लिए. तो ये हमारे साथ जुड़े थे बरसाते मौसम प्यार का के लीड कैरेक्टर्स रेयांश यानी कुशाल टंडन और आराधना यानी शिवांगी जोशी. तो आप देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे सोनी टेलीविजन पर बरसाते प्यार का मौसम, और साथ ही इन पर भी अपना प्यार ऐसे ही लुटाते रहें. और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डिजियाना न्यूज़. नमस्कार.